Hello friends, today we are going to talk about false rate preference. Request you all to please subscribe, like, comment and share. Thank you. Let's start our discussion on false rate cases in India. कई महिलाएं अपने अधिकारों और अपनी सुरक्षा के लिए बने कानूनों का भारी दुरुपयोग कर रही हैं। 2012 के निर्भया गैंग रेप के बाद महिला सुरक्षा के कानूनों को एक व्यापक जन आंदोलन द्वारा उठी मांग के चलते अत्यंत कड़ा कर दिया। इससे महिलाओं की सुरक्षा कवच मिला, परंतु एक बहुत बड़ी हानि भी साथ में हुई। इन कड़े कानूनों का पुरुषों के विरुद्ध दुरुपयोग होना शुरू हो गया और कितने ही सामान्य प्रतिष्ठित निर्दोष पुरुषों के ऊपर महिलाओं ने झूठे छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, यौन शोषण एवं बलात्कार के केस दर्ज करके उनको फंसा दिया, पुरुषों को कारावास भिजवा दिया, पुरुषों की छवि समाज में धूमिल कर दी। इन कानूनों से पुरुषों को ब्लैकमेल करना शुरू हुआ। पिछले कुछ वर्षों में भारत में जितने भी बलात्कार के केस दर्ज हुए उसमें से अधिकतम झूठे पाए गए। इसके कई प्रमाण समाचार पत्रों व न्यूज चैनल्स में आए दिन देखने को मिल रहे हैं। नो वन डिस्कसेस द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ अ मैन एज ऑल आर फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ अ वुमन। वेयर इज द लॉ टू प्रोटेक्ट अ मैन व्हेन ही इज इंप्लिकेटेड इन अ फॉल्स रेप केस। आज कोई भी पुरुष के सम्मान और गौरव के विषय पर चर्चा नहीं करता, क्योंकि सभी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। कोई ऐसा कानून क्यों नहीं है जिसमें एक पुरुष को सुरक्षा मिले यदि कोई महिला उसे झूठे बलात्कार केस में फंसा दे। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाएं छोटी सी बात बोले, चाहे वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपने पिता से छुपाना हो, अपने भाई से छुपाने जैसी बात हो, या छोटी सी कोई अनबन हो अपने बॉयफ्रेंड के साथ या किसी और मेल फ्रेंड के साथ भी हो सकती है वो अनबन, या कोई और आपसी रंजिश है, कोई महिला रिवेंज लेना चाहती है, या अक्सर देखा गया है कि कभी महिलाएं अक्सर पैसा उधार ले लेती हैं पुरुषों से, और जब चुकाने का टाइम आता है और वो पुरुष बार बार पैसे वापस मांगता है, तब भी अक्सर ये देखा गया है कि झूठा बलात्कार का आरोप लगा देती हैं महिलाएं। कभी कभी प्रॉपर्टी, कभी क्या, बहुत बार हमने ये भी देखा है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जब होता है तब भी रेप केसेस डाल दिए जाते हैं। समटाइम्स टू सेटल पर्सनल स्कोर्स, समटाइम्स व्हेन अ वुमन इज रिवेंजफुल शी फाइल्स अ फॉल्स रेप केस। व्हेनेवर अ वर्बल एलिगेशन इज मेड बाय अ वुमन, इमीडिएटली द बॉय और द मैन is arrested without hearing his side, because a verbal allegation is enough of a woman, even if she denies for medical examination. अगर कोई महिला सिर्फ कह भर दे तो पुरुष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे अनगिनत केसेस हैं जहां पे सामान्य व प्रतिष्ठित पुरुषों के ऊपर झूठा केस लगा दिया गया, वो पुरुष बाद में बच भी गए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन कोई भी समाज में उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। एक बार बलात्कार का केस लग जाए आपके ऊपर, आपकी छवि बिल्कुल धूमिल हो जाती है, आपका मीडिया चीर हिरण करता है, मीडिया इस कदर चीर हिरण करता है आपके चरित्र का, आपकी जो न्यूज होती है उसे सुर्खियों में चलाया जाता है। इस वजह से कई पुरुष
अक्सर देखा गया है कि आत्महत्या भी कर लेते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ऐसा भी मानना है मेरा कि कई बार वही महिला जाके कोर्ट में ये भी बोल देती है, बता देती है कि ये झूठा केस था, या कोर्ट को खुद संज्ञान लेती है कि ये बलात्कार का केस झूठा फाइल किया गया, महिला ने फाइल किया गया, फिर भी कोर्ट कोई सजा नहीं देती। एक केस में गैंग रेप केस था, फॉल्स गैंग रेप केस था, कोर्ट ने सिर्फ 7 घंटे की सजा सुनाई थी महिला को। आप सोच सकते हैं 7 घंटे, क्या 7 घंटे एक महिला कोर्ट में खड़ी हो जाए ये सजा हो सकती है? हम और आप ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे कि कोर्ट ऐसी सजाएं कैसे सुना सकते हैं। उस पुरुष का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया उस महिला। अभी 3-4 दिन पहले की ही आपको घटना सुनाते जो कि हमारे दिल्ली की राजधानी की। शर्म आती है मुझे ऐसी घटना के बारे में जब सुनती हूं। ये दूसरा निर्भया कांड ही था उनके हिसाब से, बाकी तो जल्द अगर इसका निर्णय ना आ गया होता हमारे सामने और ये अभी ये कोरोना ना चल रहा होता तो बहुत सारे लोग तो कैंडल मार्च के लिए निकल भी जाते, जैसे कि हर बारी निकल जाते हैं बिना जाने समझे कि सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता। एक महिला जो ऑफिस लेट पहुंची, उसने ये आरोप लगाया कि मेरा बस में बलात्कार हो गया था इसलिए मैं ऑफिस लेट पहुंची। आप सोच सकते हैं कि इतनी छोटी सी बात, ऑफिस में लेट पहुंचे आप के लिए आप बस में बैठे सारे पुरुषों को इस तरह बदनाम कर देंगे? ये तो उन पुलिस ऑफिसर्स ने एक टीम बनाई गई और उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, तब उन्हें पता चला कि बलात्कार तो कभी हुआ ही नहीं था और हमारे तक भी और आप तक भी ये न्यूज पहुंची। लेकिन क्या हर बार ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है? कतई नहीं। सिर्फ पुरुष को कटहरे में डाल दिया जाता है। अब उसके नुकसान बताती हूं आप, जब भी एक पुरुष को बिना उसकी बात सुने हुए, क्योंकि रेप का एलिगेशन आया तो उसको तुरंत गिरफ्तार करना ही है और मीडिया तक खबर पहुंचेगी तो सुर्खियों में आएगी ही आएगी, लेकिन उससे क्या होता है, उस पुरुष की डिग्निटी चली जाती है। क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? क्या उसका ऑनर नहीं है? उसकी जॉब चली जाती है, उसकी समाज में सोसाइटी में इज्जत चली जाती है, उसकी रिस्पेक्ट जीरो हो जाती है। और जो लोग इस विषय में नहीं भी जानते वो भी टिप्पणी करते हैं इसने बलात्कार किया होगा, तभी इस महिला ने कहा। पर मुझे कोई ये बताए, किस किताब में लिखा है कि जो महिला बोलती है वो सच बोलती है, या सारी जो महिलाएं हैं वो सीता है और सारे पुरुष जो है वो रावण है और वो झूठ बोलते हैं? ये किसी किताब में मैंने तो पढ़ा नहीं। तो कोर्ट इस बात को कैसे मान लेती है कि जो ये महिला कह रही है वही सच है? समय आ गया है बदलाव का। झूठे रेप केसेस ने किसी को भी नहीं छोड़ा। हमारे देश में बहुत सारे साधु संत भी हैं जिन पर झूठे रेप केसेस फाइल किए गए। वो झूठे रेप केसेस जब साधु संतों पे फाइल होता है, फाइल किए जाते हैं, उसके पीछे की मंशा तो बहुत सारी मंशाएं हैं उसके पीछे, लेकिन मैं आपको यहां पर उन मंशाओं के बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि क्या क्या मंशा होती है उसके पीछे। लेकिन अभी आपको बताती हूं कि कैसे हिंदू राष्ट्र और हिंदुइज्म को धूमिल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा किसी पादरी के ऊपर झूठा आरोप लगते हुए, या ये जितने भी हमारे मौलवी हैं इनके ऊपर फर्जी बलात्कार के केसेस बहुत कम होते हैं। होंगे कोई एक आधा, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन साधु संतों पे आपने अक्सर देखा होगा। क्या सारे साधु संत बलात्कारी हैं? कतई नहीं।
तो मैं आपको ये दोबारा से बताना चाहूंगी कि कारण क्या होता है साधु संतों के ऊपर आरोप लगाने का, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो इस के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। वो क्रिश्चियन मिशनरीज नहीं चाहते कि हिंदुओं का बोलबाला हो। उनकी एक हमेशा से ये काट रही है कि अगर हिंदुइज्म बढ़ेगा आगे तो क्रिश्चियनिज्म नहीं आगे बढ़ेगा, और क्रिश्चियनिटी आगे नहीं बढ़ेगी तो उनका धंधा कैसे चलेगा। और बहुत सारा पैसा रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड। अब मैं आपको कुछ ऐसे केसेस के बारे में बताती हूं जहां महिलाओं ने झूठे बलात्कार का केस लगाया, और जब 2 करोड़ रुपए मिल गया तो वो बलात्कार क्या खत्म हो जाता है? वो बलात्कार का केस वापस ले लिया गया। क्यों वापस ले लिया? बलात्कार हुआ था, कोर्ट में फाइट करिए। आप पैसे लेकर के कैसे कह सकते हैं कि मुझे बलात्कार का केस वापस लेना है? तो इसका मतलब तो साफ है कि आपने पैसों के लिए झूठा आरोप लगाया किसी पुरुष के ऊपर। दुर्भाग्यवश इस देश में पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं, इसीलिए धड़ल्ले लेते इस कानून का दुरुपयोग होता जा रहा है और लगातार होता रहेगा। कई बार मैं अपने ट्विटर हैंडल पर फॉल्स रेप केस, आमतौर पर मैं रोजमर्रा इस केसेस के बारे में बात करती हूँ, मिस यूज ऑफ रेप लॉ के बारे में बात करती हूँ। रेप लॉ का जितना मिस यूज हमारे देश में हो रहा है शायद ही किसी और देश में हो रहा हो, लेकिन हमारे देश में लॉ मेकर्स अब भी सो रहे हैं। उन्हें लगता है कि पुरुष की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उनकी कोई डिग्निटी नहीं है, उनकी कोई ऑनर नहीं है, उन्हें जेलों में ढूंढा जा सकता है। और इसी वजह से इतने सारे केसेस कोर्ट्स में पेंडिंग, उनकी कभी ये आंकड़े कभी कम नहीं होंगे, क्योंकि ये आंकड़े हमेशा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फॉल्स रेप केसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये रॉकेट शूटिंग हाई है फिगर्स इनके। आशा करती हूं कि जल्द हमारी गवर्नमेंट इस विषय पे सोचना शुरू करे और बदलाव आए और पुरुषों के लिए भी कोई कानून बने। हमारी बहुत दिनों से एक मांग है कि रेप लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। अक्सर हम इस विषय पे भी बात करते हैं। आई ओनली होप फॉर सम चेंज इन फ्यूचर। नमस्कार, जय हिंद।